नवंबर के महीने के शुरुआत होते ही मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में गेहूं की बोनी शुरू हो गई है, जिससे इसकी मांग बढ़ गई है और मंडी के साथ खुले बाजार में गेहूं के अधिकतम भाव 2750 रुपये क्विंटल तक पहुंच गए हैं, जबकि न्यूनतम भाव 2450 से 2250 तक देखने को मिल रहा है। नवंबर के पहले सप्ताह तक गेहूं का अधिकतम भाव 2100 से 2250 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला। वहीं शहर के व्यापारियों की माने तो आगामी दिनों में गेहूं के भाव 2900 से लेकर 3000 रुपये प्रति क्विंटल तक जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में इस साल गेहूं का उत्पादन अच्छा रहा और खुले बाजार में गेहूं की कीमत समर्थन मूल्य से अधिक होने से जिले में सरकारी खरीदी कम हुई और भंडार भी कम हुआ है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के कारण विदेशों में भारतीय गेहूं की मांग बढ़ने से व्यापारियों ने जमकर गेहूं एक्सपोर्ट किया। छतरपुर जिले के बड़े और छोटे व्यापारियों ने सीधे एक्सपोर्ट करने के स्थान पर गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों को गेहूं भेजकर निर्यात करते रहे। इस एक्सपोर्ट के कारण समर्थन मूल्य खरीदी के दौरान गेहूं के भाव बाजार में अधिक देखने को मिले। इसी बीच केंद्र सरकार ने देश में गेहूं भंडारण की स्थिति को देखते हुए 14 मई को एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके बाद भाव में लगातार गिरावट आई और अधिकतम भाव 2350 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर न्यूनतम भाव 1800 रुपये प्रति क्विंटल पर सिमट गया। यदि समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्यात पर रोक न लगाई गई होती तो आज गेहूं के भाव 3000 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक होते। पिछले दिनों ज्यादा निर्यात होने से भी देश में गेहूं की मांग बढ़ी है, लेकिन अब फिर से गेहूं के भाव एक बार बढ़ने लगे हैं। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश का गेहूं नाम से बिकता है। छतरपुर जिले का 70% गेहूं देश के अन्य राज्यों में निर्यात किया जाता है। व्यापारियों का कहना है कि देश के विभिन्न राज्यों में मौजूद मिलों में गेहूं की मांग बढ़ गई है। वहीं जिले के किसानों के पास अधिक गेहूं नहीं बचा है। जिन किसानों के पास गेहूं है वो या तो बोनी में इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए संभाल कर रखा है, इसीलिए मांग और सप्लाई में अंतर आ चुका है और जिसकी वजह से गेहूं में तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि अब भाव ज्यादा नहीं बढ़ेंगे क्योंकि किसानों ने बोनी का इंतजाम कर लिया है और कुछ दिनों में नया गेहूं भी मार्केट में आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।